फ्लूइड मैकेनिक्स किसको बोलते हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स, तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है ना वो फ्लूइड स्टैटिक और फ्लूइड डायनेमिक दोनों का कॉमन नेम है मिला जुला। फ्लूइड क्या होता है सर? तो फ्लूइड मतलब जो फ्लो कर सकता है, फ्लो जिसमें होगा, जो बह सकता है, जैसे पानी का फ्लो होता है, गैस भी फ्लो करता है, घी मिल्क ये सब, इन सबको फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड में गैस और लिक्विड दोनों इंक्लूडेड है। तो जब भी फ्लूइड रेस्ट में होगा और उससे रिलेटेड जो भी फेनोमेना ऑब्जर्व करेंगे हम लोग नेचर में, उसको फ्लूइड स्टैटिक में पढ़ेंगे। और मूविंग फ्लूइड मतलब ऐसा नहीं है कि बाल्टी में पानी भर के और बाल्टी पकड़ के दौड़ने लगे, लिक्विड के मॉलिक्यूल में मूवमेंट होना चाहिए। ऐसे बाल्टी में पानी भर के वो हाथ से पकड़ के दौड़ेंगे तो ये मॉलिक्यूल यहाँ का यहीं रहेगा, ये यहाँ का है। मॉलिक्यूलर लेवल पे मूवमेंट होना चाहिए, एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल वेलोसिटी में होना चाहिए, एक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी दूसरे मॉलिक्यूल के रिलेटिव होना चाहिए, एक मॉलिक्यूल दूसरे को देखे तो वो दौड़ता हुआ दिखे। ऐसे आप बाल्टी को पकड़ के घूमेंगे तो जो मॉलिक्यूल जहाँ है वो एक दूसरे से उतने ही दूरी पे रहेगा, उन दोनों में सेपरेशन नहीं होगा, राइट? तो वो रिलेटिवली एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा होगा, तो उसको फ्लूइड डायनेमिक नहीं, फ्लूइड स्टैटिक ही बोलेंगे। तो फ्लूइड डायनेमिक मतलब ये बाल्टी के रेस्पेक्ट में ये मॉलिक्यूल आगे बढ़े या एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में आगे बढ़े, ऐसा। ठीक है, अब इसमें पूरा बाल्टी का पूरा मूव कर रहा है आगे की तरफ, तो ये फ्लूइड स्टैटिक में ही पढ़ाया जाएगा। फ्लूइड डायनेमिक मतलब लिक्विड के मॉलिक्यूल मूव करने चाहिए कंटेनर के रेस्पेक्ट में या एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में, राइट? तो ऐसा मूवमेंट होगा तो फ्लूइड डायनेमिक। फ्लूइड डायनेमिक प्लस फ्लूइड स्टैटिक को मिलाकर बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो फ्लूइड स्टैटिक भी समझ में आ गया, रुके हुए फ्लूइड का स्टडी, दौड़ते हुए फ्लूइड का स्टैटिक, फ्लूइड डायनेमिक हो गया। ठीक है, ये दोनों बात समझ गया। नेक्स्ट है, फ्लूइड में सॉलिड से कम इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, सबसे ज्यादा तो ऐसे सॉलिड में होता है और सेकेंड नंबर में उससे कम मतलब थोड़ा लिक्विड में और गैसेस मॉलिक्यूल के दो मॉलिक्यूल के बीच सबसे कम अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, गैस फ्री सरफेस नहीं बनाता है लेकिन लिक्विड फ्री सरफेस बनाता है, मतलब कंटेनर में रख देंगे तो कंटेनर का ऊपर लेयर एक रहता है, लेकिन गैस को कंटेनर में रखेंगे तो गैस पूरा फैल जाएगा वातावरण में, पूरा ऊपर इन्वायरमेंट में चला जाएगा, वो कोई सरफेस पे लेयर बना के नहीं रहेगा। जैसे ऐसे लिक्विड है, इसमें पानी भर दिए तो ये सरफेस पे यहाँ तक आके रुक जाएगा, फ्री सरफेस ये लिक्विड का हो गया, लेकिन इसी कंटेनर में गैस भरेंगे तो यहाँ पे लेयर नहीं बनाएगा, उड़ने लगेगा ऊपर, हवा में चला जाएगा, पूरा फैल जाएगा पूरे रूम में। ठीक है, तो गैस फ्री सरफेस नहीं बनाता है, गैस को जो कंटेनर में रखेंगे वो पूरा वहां तक फैल जाएगा, ओके, कंटेनर में, और पूरा जहां तक उसको मिलेगा जगह जाने के लिए वहां तक फैल जाएगा। लेकिन लिक्विड को रूम में एक कंटेनर में रखिए तो इतने ही दूर में रहेगा, इतने ही कंटेनर में रहेगा, फ्री सरफेस बना के रुक जाएगा। लिक्विड गैस में ये डिफरेंस हो गया। अगला क्या है? अगला नेक्स्ट है ये यंग, वाई मतलब यंग मॉडुलस और ईटा मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी शियर, शियर वाला मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं उसको, या कोएफिशिएंट ऑफ शियर मॉडुलस भी बोलते हैं। तो यंग मॉडुलस और ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दोनों जीरो होगा, किसके लिए सर? तो फ्लूइड और गैस दोनों ही के लिए। फ्लूइड मतलब लिख दिया मैंने, फ्लूइड मतलब लिक्विड के लिए भी और गैस के लिए भी, दोनों के लिए ये जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है फोर्स बाई एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ बाई इनिशियल लेंथ। तो चेंज करने के लिए वैसे तो इसका लेंथ डिफाइन ही नहीं रहेगा, लिक्विड का तो वॉल्यूम डिफाइन रहेगा, लिक्विड और गैसेस का। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा कंसिडर करें थ्योरेटिकल पर्पस के लिए, तो बहुत ही कम फोर्स लगाना पड़ता है इसमें चेंज लाने के लिए, यानी न्यूमरेटर का वैल्यू एकदम कम है, डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है उसके डायमेंशन में। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि न्यूमिनेटर कम है और डिनोमिनेटर ज्यादा, तो इसको डिवाइड करने पे 0.00000 ऐसे आएगा, यानी उसको जीरो मान लिया गया है। तो न्यूमेरिकल अगर आएगा तो इस बात का ख्याल रखना है, अदरवाइज थ्योरेटिकली सोचें तो यंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तो सिर्फ सॉलिड के लिए ही डिफाइंड है।
तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में आपको, जिसमें अगर दिया है कि यंग मॉडुलस फॉर गैस इज नॉट डिफाइंड, तो बिल्कुल ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बताया कि जीरो होता है यंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये थर्ड स्टेटमेंट में। तो जीरो नहीं, सच में नॉट डिफाइंड ही होता है, लेकिन न्यूमेरिकल में अगर नॉट डिफाइंड नहीं है ऑप्शन में, तब जीरो वाला ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो अभी ये तो साफ साफ लिख दिया कि नॉट डिफाइंड, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो गया। फिर सेकेंड ये क्वेश्चन देखते हैं, यंग मॉडुलस फॉर एयर। एयर के लिए हमको पता है यंग मॉडुलस डिफाइन नहीं है, यंग मॉडुलस डिफाइन नहीं है, लेकिन फिर भी ये दिया है चार ऑप्शन, उसमें नॉट डिफाइन वाला ऑप्शन है ही नहीं, तो इनफाइनाइट तो नहीं होगा। फिर यंग मॉडुलस लेस देन वन होता है क्या, तो ये भी नहीं होगा, लेस देन वन नहीं होता है। और फिर है जीरो होता है क्या, यंग मॉडुलस जीरो जीरो, तो यहाँ तो जीरो मैंने लिखा था थर्ड वाले स्टेटमेंट में, लेकिन वो एग्जैक्टली जीरो थोड़ी था, वो ऐसे था 0.00000, ऐसे करते करते बहुत सारा जीरो करते करते था, एकदम जीरो थोड़ी था, ये न्यूमरेटर पूरा का पूरा जीरो थोड़ी था। तो ये क्या है, ये सही ऑप्शन है कि लेस देन वन है, लेकिन पूरा का पूरा जीरो नहीं है। लेस देन वन मतलब 0.00000, ऐसे करते करते है एग्जैक्टली जीरो नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें से सी ऑप्शन हुआ, बेस्ट, राइट। नॉट डिफाइन होता तो वो बेस्ट होता, लेकिन नॉट डिफाइंड नहीं है, इसी में से मुझे करना है सेलेक्ट, तो सी ऑप्शन को करेंगे, डी को नहीं करेंगे जीरो, क्योंकि पूरा का पूरा जीरो नहीं था ना, वो टेंड्स टू जीरो था, राइट। इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है, इसका करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईटा मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज जीरो फॉर, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सॉलिड का तो नहीं होता है जीरो, लिक्विड गैस का होता है, तो बी और सी दोनों सही हो गया। सो बोथ बी एंड सी करेक्ट हो गया इसका। फिर बीटा ये बोल रहा है, बीटा यानी बल्क मॉडुलस, वॉल्यूम चेंज इसमें होता है, तो वॉल्यूम चेंज तीनों में हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में, तो बल्क मॉडुलस तीनों स्टेट के लिए, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट के लिए डिफाइन है। और सबसे लास्ट में आ गए हम लोग कि रियल लाइफ में इलास्टिक और फिजिक्स में इलास्टिक में फर्क है। रियल लाइफ में इलास्टिक ऐसे बॉडी को बोलते हैं जिसमें जिसको खींचने पे ज्यादा इलोंगेशन उसमें आता है, ज्यादा लंबा जो खींचता है, जैसे रबर। लेकिन फिजिक्स में इलास्टिक कम बोलते हैं रबर को, फिजिक्स में इलास्टिक वो है जो फोर्स लगाने पे कम जिसमें इलोंगेशन आए, जैसे स्टील और रबर में किसको ज्यादा इलास्टिक है, तो स्टील ज्यादा इलास्टिक, जबकि रियल लाइफ में रबर को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक। तो ये ध्यान में रखना है इस बात को कि फिजिक्स में इलास्टिसिटी और रियल लाइफ की इलास्टिसिटी में फर्क है। फिजिक्स में जो फोर्स लगाने पे कम इलोंगेशन कम चेंज आएगा उसको ज्यादा इलास्टिक बोलेंगे फिजिक्स। डेंसिटी तो मास बाई वॉल्यूम आ गया समझ में, मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी बोलते हैं, केजी पर मीटर क्यूब हो गया, ये स्पेसिफिक वेट क्या है, स्पेसिफिक वेट, तो मास बाई वॉल्यूम की जगह पर वेट बाई वॉल्यूम कर लीजिए किसी भी का, वहाँ ग्रेविटी अलग अलग होता है ना, मून पे अलग ग्रेविटी हो जाएगा तो अर्थ पे अलग होगा, तो ये स्पेसिफिक वेट अलग आ जाएगा मून पे जाइएगा, तो मास वही रहेगा और उसका वॉल्यूम जितना ऑक्यूपाई करेगा वही रहेगा, क्योंकि ज्यादातर लिक्विड इनकम्प्रेसिबल रहता है, गैस का तो वहां पे खैर अलग कहानी हो जाएगा, कंटेनर में रखिएगा उसी के बराबर हो जाएगा वॉल्यूम, तो लिक्विड की बात सिर्फ हो रही है गैस की नहीं। वैसे भी इस चैप्टर में हम लोग खाली फ्लूइड मतलब खाली लिक्विड का ही स्टोरी पढ़ेंगे, गैस का तो केटीजी अलग चैप्टर है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो ठीक है सर, लिक्विड के बारे में खाली बात करते हैं, आ जाइए। तो लिक्विड का वेट अर्थ पे अलग है, दूसरे ग्रह पे जाएंगे तो जी अलग हो जाएगा, तो मास बाई वॉल्यूम के ऊपर वेट बाई वॉल्यूम लिखा जाएगा, और मास बाई वॉल्यूम को बोलते हैं डेंसिटी, तो डेंसिटी में जी मल्टीप्लाई हो गया, तो विशिष्ट भार या स्पेसिफिक वेट क्या हो गया, तो डेंसिटी का मास बाई वॉल्यूम था, तो इसका वेट बाई वॉल्यूम कर देना है, बस वेट के लिए न्यूटन, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब, हो गया स्पेसिफिक वेट, या वेट डेंसिटी भी बोलते हैं, मास डेंसिटी जैसे है वैसे वेट डेंसिटी भी है, एक रिलेटिव डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड टू डेंसिटी ऑफ वाटर, इसके रेशियो क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है बाबा, स्पेसिफिक ग्रेविटी है जैसे डेंसिटी डेंसिटी डिवाइड किए हैं,
तो यहाँ पे वेट क्या आया था, स्पेसिफिक वेट क्या आया था, डेंसिटी में देखिए जी मल्टीप्लाई हो गया था, तो एनी सब्सटेंस के डेंसिटी में जी मल्टीप्लाई करिए और नीचे वाटर के डेंसिटी में जी मल्टीप्लाई कीजिए, तो रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी में सिर्फ यही फर्क है कि रिलेटिव डेंसिटी तो डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर है, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका रेशियो है, स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक वेट का रेशियो है, मतलब डेंसिटी में जी मल्टीप्लाई कर करके है। सौ बात के एक बात यह है कि किस ये दो गो टर्म आप याद कर लीजिए, पहला डेंसिटी और दूसरा स्पेसिफिक वेट, दो गो टर्म याद हो गया। तो डेंसिटी डेंसिटी का रेशियो लिखिएगा ना किसी सब्सटेंस का वाटर के साथ, तो रिलेटिव डेंसिटी मिल जाएगा, और स्पेसिफिक वेट और इसका रेशियो लिखिएगा ना किसी भी सब्सटेंस का वाटर के साथ, इसका रेशियो लिखिएगा ना, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगा। समझ गए, न्यूमेरिकली दोनों का वैल्यू सेम है न्यूमेरिकली, लेकिन थ्योरेटिकली अलग अलग। रिलेटिव डेंसिटी है डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, और स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसमें जी मल्टीप्लाई कर करके, तो ये भाई जी से जी कैंसिल हो जाएगा तो वापस वही आ गया कि नहीं, दोनों सेम, यानी रिलेटिव ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी के इक्वल है न्यूमेरिकली, लेकिन थ्योरेटिकल डेफिनेशन डिफरेंट है दोनों का। प्रेशर क्या है सर, प्रेशर के बारे में कुछ बताया जाए जरा। प्रेशर देखिए भैया, प्रेशर क्या होता है कि फोर्स बाय एरिया है, सही बात है, कोई डाउट नहीं है उस पर, लेकिन परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया लिखना है, ये सही है। इसके अलावा एफ बाई ए परपेंडिकुलर गलत बात है, एफ परपेंडिकुलर और ए भी परपेंडिकुलर, ये भी गलत कहानी है, यही याद रखना है, एफ परपेंडिकुलर बाई ए लिखना है, क्या बात है ये याद रखिए। ये एफ परपेंडिकुलर जो सरफेस पे 90 डिग्री वाला फोर्स होता है ना, उसको थ्रस्ट भी बोलते हैं, थ्रस्ट भी नाम है उसका। प्रेशर का सब यूनिट देखिए, सबसे पहले ऐसा यूनिट हो गया भाई फोर्स बाई एरिया है, तो फोर्स का हो गया न्यूटन, अब एरिया के हो गया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है कि नहीं, तो ठीक है सर ये तो समझ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला क्या कहानी है, तो न्यूटन पर स्क्वायर को पास्कल भी बोल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या बोल देना है भाई, पास्कल, याद रहेगा बात, बिल्कुल सर। अच्छा तो ये 1 ATM और 1 bar ये सब जो है वो दोनों 10^5 पास्कल, एक्चुअल इसका वैल्यू 1.01325 पास्कल है, लेकिन 1.01 लगभग वैल्यू 1 ही है ना, तो 1 ATM आप याद रखिए 10^5 पास्कल, वैसे ही 1 bar भी 10^5 पास्कल, ये 1 ATM और 1 bar तो एक ही बात हो गया, तो 1 bar जो होता है उसका वैल्यू होता है 760 torr या 76 cm Hg या 10.33 m H2O, इतना याद रखना है बात, ठीक है। प्रेशर, प्रेशर जो है तीन तरह के होता है भैया प्रेशर, पहला हो एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर है पहला, दूसरा है गेज प्रेशर, और तीसरा है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो ओकरा में एटमोस्फेरिक प्रेशर कैसे मापा जाता है, तो एक मर्क्यूरी यहाँ एच जी लिक्विड, मर्क्यूरी का लिक्विड रखा हुआ है, और एक ट्यूब है यहाँ टेस्ट ट्यूब ऐसे है, और एक ई ट्यूब में पूरा भर दीजिए, शुरू से क्या किया जाता है टेस्ट ट्यूब में ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे बना हुआ इसमें पूरा मर्क्यूरी भरा रहता है, यहाँ से उंगली से दबा दीजिए, अपने हाथ के उंगली से उसके किनारे जहाँ पे खुला हुआ एंड है वहां उंगली से दबा के मर्क्यूरी जो है ना इसके अंदर आके डुबा देना है, उंगली यहाँ बंद कैले कैले उंगली यहाँ पे बंद किए हुए रहना है, अब आके इसे डुबा देना है, अब बाद में उंगली हटा लेना है, तो उंगली हटाइएगा तो ये अपने वेट के कारण जो यहाँ तक भरा हुआ था वेट के कारण नीचे सरकेगा, तो सरक जाएगा नीचे, तो ऊपर से खाली हो जाएगा थोड़ा सा, तो ये 1 m यानी कि 100 cm का ही रहता है ट्यूब, 100 cm इसमें मर्क्यूरी भरा रहता है, तो ऊपर से 24 खाली हो जाता है, यानी कि 76 cm ही रह पाता है, पानी में इसको डुबाइएगा, पानी मर्क्यूरी में डुबाइएगा इसको, अब उंगली हटा लीजिएगा पूरा भर के, तो ऊपर से 24 cm सरक के नीचे गिर जाता है अपने वेट के कारण, समझ गए। तो अब 24 cm नीचे सरक के गिर गया, तो अभी इतने जो बचा हुआ है वो यहाँ पे कितना प्रेशर लगाएगा, जो बचा हुआ पार्ट है वो यहाँ पे जितना भी प्रेशर लगाएगा उस प्रेशर को लिखते हैं आपकी 76 cm Hg,
का प्रेशर है राइट, और उतना ही एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है। उतना ही क्या होता है? एटमोस्फेरिक प्रेशर। कैसे सर, कैसे बता रहे हैं आप कि उतना ही एटमोस्फेरिक, कैसे इसको पता चला? तो देखिए, लिक्विड का इस जो एंड है ना, ये खुला हुआ है, ये हवा में है, हवा के कांटेक्ट में है ना। इधर वाला किनारा किसके कांटेक्ट में है भाई लोग? हवा के कांटेक्ट में। कौन सा कलर लें? रेड कलर काम नहीं कर रहा है, ब्लू कलर लें क्या? ठीक है, हवा के कांटेक्ट में। तो यहाँ का प्रेशर क्या है? एटीएम है, 1 ATM है एटमोस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू 1 ATM। इधर का भी 1 ATM है, ये देखिए PA लिखा है, यानी इधर का भी एटमोस्फेरिक प्रेशर ही है राइट। तो इसके अंदर अगर लिक्विड भरा हुआ है तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? सेम लेवल पे प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। तो एक हॉरिजॉन्टल लेवल ऐसे बना दीजिए, तो यहाँ का प्रेशर एटमोस्फेरिक है, तो इसके सामने यहाँ भी एटमोस्फेरिक होगा, यहाँ भी। पूरा लिक्विड के अंदर, ये हवा में नहीं प्रेशर मेजर करना है, लिक्विड के जस्ट अंदर, हवा से जस्ट थोड़ा सा भीतर घुस जाए। जैसे यहाँ तक हवा है ना, तो एकदम थोड़ा सा अंदर घुस जाइए। तो यहाँ लिक्विड है, यहाँ लिक्विड है, यहाँ लिक्विड है, पूरा लिक्विड लिक्विड है, अलग कुछ नहीं आया है ना। तो पूरा लिक्विड ही जब है तो हर जगह प्रेशर क्या होगा? एक होगा। और जबकि इधर का प्रेशर जस्ट बाहर एटमोस्फेरिक है, तो जस्ट अंदर एटमोस्फेरिक ही है। तो यहाँ का प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ का भी क्या होगा? एटमोस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। यानी कि ऊपर से जो नीचे की तरफ प्रेशर आ रहा है, वो नीचे से ऊपर की तरफ जो लिक्विड धक्का मार रहा होगा, लिक्विड का मॉलिक्यूल ऊपर वाले को, उसके इक्वल होगा। तो ऊपर से तो कितना प्रेशर आ रहा है? इधर तो हवा है, हवा, तो प्रेशर आएगा फोर्स बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो फोर्स होगा mg। फोर्स क्या होगा भैया? पानी का mg। अब फोर्स हो गया ये। अब प्रेशर के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से a से डिवाइड कर दिए, पाइप जो लगाए हैं पाइपवा के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसे डिवाइड कर दिए। तो यही एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर आना चाहिए ना, यही आना चाहिए एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर। क्योंकि लिक्विड का जो प्रेशर है, मर्क्यूरी लिक्विड का, उसी प्रेशर को नीचे से वाटर मॉलिक्यूल भी उतना फोर्स लगा रहा होगा, तभी तो वहां जाकर रुका। वहां पे अगर वो रेस्ट में है, यानी कि जितना प्रेशर इतना लगा रहा होगा, इतना दूर का पानी अपने वेट के कारण, क्या नीचे का पानी उतना ही उसको धक्का मार रहा होगा? अगर ऊपर वाला पानी ज्यादा धक्का मारता तो और अंदर नहीं, ऊपर से सरक जाता, 24 सेंटीमीटर पे क्यों रुक जाता? यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है तो हम उस पर नेट फोर्स लिखते हैं। तो इतना 76 सेंटीमीटर इसमें मर्क्यूरी रेस्ट में है मेरे पास, तो इतने लिक्विड का जो नीचे mg लग रहा है, वो क्यों नहीं नीचे गिर जा रहा है पानी में? यानी लिक्विड भी मॉलिक्यूल लिक्विड का ऊपर मार रहा है उसको, धपा धप, ये देखिए मार रहा है ऊपर, गिरना मत नीचे। तो यानी कि इस पे जितना फोर्स नीचे लगा ग्रेविटी की वजह से mg, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया से डिवाइड करने पे जो प्रेशर आया, क्या नीचे से भी ऊपर की तरफ लिक्विड का मॉलिक्यूल उतना ही मार रहा होगा प्रेशर? तो उतना ही प्रेशर मैंने लिख दिया दोनों। अब मास को लिखते हैं हम लोग, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी लिख दीजिए, और वॉल्यूम का होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट। पाइप में जितना हाइट या लेंथ है वो अपॉन एरिया, एन ए को मार दिया। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना आ गया? रो जी एच आ गया। रो मर्क्यूरी का लिखना है, और जी और हाइट वही 76 सेंटीमीटर लिख देंगे, क्योंकि 76 पे आके रुका है वो। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू इससे पास्कल में मिल जाएगा। ये डेंसिटी मर्क्यूरी का रख देंगे 13,600 kg/m³, और जी 9.8, और एच 76 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके लिख देंगे, तो इससे एटमोस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा। या डायरेक्ट हम 76 सेंटीमीटर है तो उसको 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी भी लिख सकते हैं। गॉज प्रेशर का होता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर तो समझ गया होता है भाई, और उसको मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट का नाम है बैरोमीटर। तो ये मैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना, ये वाला नया वाला प्रेशर मेजर करता है, जिसको हम लोग गेज प्रेशर भी बोलते हैं। क्या है गेज प्रेशर? देखिए, अब इसके अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ है, ऐसे व्हाइट व्हाइट कलर से हम भर दे रहे हैं इसे, देख, एकरा अंदर कुछ लिक्विड भरल है। तो ये लिक्विडवा क्या है? ब्लू कलर वाला जो लिक्विड है उसको मारेगा एकदम धक्का। इसका मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मूव करते रहता है ना, लिक्विड और गैस का रैंडमली, तो आके मारेगा इसको टक्कर, और यहाँ पे आके रुक गया है। तो रुक गया है मैंने, ऊपर चढ़ाई नहीं कर रहा है और नीचे भी नहीं कर रहा है, यानी कि अभी क्या हो रहा है इस पे? ये लिक्विड जो ऊपर उसको धक्का मार रहा है, व्हाइट वाला उतना ही धक्का नीचे मार रहा है, तभी तो ये रुका हुआ है। और यहाँ से यहाँ पूरा ब्लू 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 पानी भरा हुआ है यहाँ। तो जहां तक
सेम लिक्विड होता है ना, उस हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर। तो यहाँ का प्रेशर मान लेते हैं कि पी एक्स हुआ, जो भी गैस भरा हुआ है उसका एक्स प्रेशर हो गया पी एक्स, ठीक है। तो यहाँ का भी प्रेशर क्या होगा भाई, पी एक्स होगा, मैंने इस लेवल का भी क्या होगा, पी एक्स होगा। अगर यहाँ का प्रेशर अगर पी एक्स है तो, क्योंकि दोनों सेम लेवल पे है ब्लू कलर वाला लिक्विड, तो अभी यहाँ का प्रेशर जो होगा वही क्या, ये जो भरा हुआ है व्हाइट कलर का गैस उसका वही प्रेशर होगा ना जो पी एक्स है। अब पी एक्स कैसे निकाल देंगे, तो इसके ऊपर तो हवा है, तो एयर का प्रेशर हमको पी एटीएम पता ही है। आई ब्लू वाला यहाँ से यहाँ तक एच हाइट अगर है तो इसके लिए रो जी एच लिख देंगे, और ये ब्लू वाले का डेंसिटी लेंगे, पानी भरा हो तो पानी, मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी। तो एकरा में गेज प्रेशर क्या हुआ, इसका प्रेशर कितना हुआ, गेज प्रेशर देखिए, तो दोनों को आप ऐड करिए, पी ए टी एम प्लस रो जी एच, इन दोनों को ऐड किए तब पूरा का पूरा प्रेशर आ गया गैस का, इतना गैस का प्रेशर है भैया टोटल, ठीक है। जो भी गैस भरा हुआ है चैम्बर में उसका प्रेशर क्या आ गया, पी ए टी एम में रो जी एच आ गया, रो ब्लू वाले लिक्विड का डेंसिटी है। तो ई वाला जो टर्म है ना, ये टर्म इसको बोले एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट यानी इसका जो प्रेशर हुआ यहाँ जो ये भरा हुआ है व्हाइट कलर से उसका प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर हो। अब इसमें से गेज प्रेशर क्या हुआ, ये वाला गेज प्रेशर हुआ। एब्सोल्यूट प्रेशर में से एटमोस्फेरिक प्रेशर को गायब कर दीजिए, यानी कि किसी भी गैस का जो कंटेनर या सिलेंडर में गैस भरा है उस गैस का एटमोस्फेरिक से कितना ज्यादा है, एटमोस्फेरिक से कितना ज्यादा है, इस ज्यादा वाले टर्म को ही गेज प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ गेज प्रेशर रो जी एच हो गया और एब्सोल्यूट प्रेशर रो जी एच प्लस पी एटीएम हो गया। नेक्स्ट है भाई कि देखिए कोई भी यहाँ पे पानी भरा हुआ है इस कंटेनर में, ऐसे पानी भरा हुआ है, ठीक है, बाल्टी है या कुआं है, तालाब है, कुछ है, पानी भरा हुआ है। अब इसके आप एच गहराई में जाएंगे ना, एच गहराई में सरफेस से नापना है, यहाँ से अंदर घुसना शुरू किया, अंदर गए, अंदर और अंदर जा रहे हैं, और अंदर गए, और अंदर गए, और अंदर गए, तो मान लेते हैं ये एच अंदर चले गए, एच तो इस जगह कितना प्रेशर लगेगा, एच अंदर जाएंगे ना तो एच गहराई में प्रेशर होता है रो जी एच लगता है, रो जी एच में एच हाइट नहीं है ग्राउंड से, ऊपर से टॉप से नीचे कितना गहराई में पानी गए हैं वो गहराई है ये रो जी एच, और रो इस लिक्विड का डेंसिटी। तो यहाँ पे इतना प्रेशर लगेगा, यानी आप यहाँ पे खड़े आप हो जाएंगे तो आपके बॉडी के ऊपर लिक्विड चारों तरफ से इधर से इधर से इधर से इधर से सब मॉलिक्यूल लिक्विड का मारेगा मिलकर, धमाक 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 मारेगा, कितना प्रेशर लगाएगा एच डेप्थ में रो जी एच। तो ये पास्कल भाई बोल दिए कि ठीक है भाई इतना प्रेशर लगा रहा है, तो पास्कल का नियम है कि आप लिक्विड में कहीं एक जगह भी प्रेशर लगाएंगे तो पूरा लिक्विड में वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी इतना प्रेशर लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब आप इस लिक्विड में प्रेशर मान लीजिए बढ़ाए, कैसे कर प्रेशर क्या कर दिए, बढ़ाए, यानी आप क्या कर दिए, इसके ऊपर एक पिस्टन ऐसे लगा दिए और उसको दबाए, तो यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा तो इधर का भी बढ़ेगा, इधर का भी बढ़ेगा, हर जगह का प्रेशर बढ़ेगा एक जगह लगाइएगा। तो यहाँ यहाँ पे देखते हैं ये पूरा लिक्विड ऐसे से भरा हुआ है, पूरा हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला एग्जाम्पल, ऐसे से पूरा देखिए भरा हुआ है ये सब लिक्विड। अब यहाँ से कोई फोर्स लगाएगा तो फोर्स लगाएगा तो इस फोर्स के लगने से क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा यहाँ, तो जितना प्रेशर क्रिएट होगा ना इस फोर्स की वजह से वो पूरा का पूरा प्रेशर यहाँ पे आ जाएगा घूम के, एक जगह लिक्विड में लगाएंगे, अब कंटिन्यूअस लिक्विड है तो पूरा ट्रांसमिट कर देता है प्रेशर, यानी कि आप यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर मुझे इक्वल कर देना है, जहाँ कार है, कार जहाँ पे है वहां का प्रेशर, और जहाँ अप्लाइड है, तो अप्लाइड वाले के जगह पर F1 फोर्स मान लीजिए लगा, तो F1 बाई यहाँ का एरिया अप्लाइड वाले जगह का स्मॉल एरिया माने, और जहाँ कार है वहां पे ये कितना ऊपर फोर्स लगाएगा, तो उस फोर्स को हम लिख देते हैं F, कार जहाँ है वहां का, और वहां का एरिया भी लिख देंगे A। तो अभी एरिया इधर मल्टीप्लाई होगा तो आप देख सकते हैं कि ए इज कैपिटल ए ज्यादा है और स्मॉल ए कम है, तो ग्रेटर देन वन क्वांटिटी आएगा, और ग्रेटर देन वन में फोर्स मल्टीप्लाई करने पे ये और भी फोर्स से ज्यादा आ जाएगा, यानी कम फोर्स लगाएंगे इधर और ज्यादा वेट वाले कार को ये ऊपर उठा देगा, यही तो हाइड्रोलिक लिफ्ट है। अगला कहानी ये है भैया कि बॉयंट फोर्स का कहानी सुनना है हम लोग को, ठीक है।
तो बॉयंट फोर्स आर्किमिडीज साहब क्या बताया कि भाई लिक्विड में कुछ डूबा हुआ रहेगा, पार्शियली या फुल्ली, थोड़ा सा डूबे या पूरा डूबे, तो लिक्विड उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। और उस फोर्स का फॉर्मूला उन्होंने बताया कि रो जी और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा, मतलब वो डूबा हुआ ऑब्जेक्ट कितना लिक्विड को डिस्प्लेस करता है, ठीक है, यानी जितना डूबेगा अंदर, आधा कोई डूबेगा तो अपने वॉल्यूम का आधा, जैसे 2 लीटर का आपके पास बॉटल है वाटर का, और वो 2 लीटर वाले बॉटल को आधा मैंने डुबा दिए नीचे, यानी 1 लीटर डुबा दिए, तो इसको 1 लीटर लेना है, ठीक है। तो अगर आप उसको छोड़ दिए हाथ से डुबाने के बाद, क्या कर दिए उसको, छोड़ दिए ऐसे, जैसे आधा डूबा मान लेते हैं, आधा ये डूबा और आधा बाहर ही निकला, तो लिक्विड तो इतने ही दूर वाला डिस्प्लेस किया ना, नीचे जो अंदर डूबा वो। लेकिन mg जब लिखेंगे इसका, अब इसके इक्विलिब्रियम का क्या कहानी है, इसको अर्थ नीचे बुला रही है, आजा बेटा नीचे mg फोर्स से, और जो बॉयंट फोर्स है ये पानी का मॉलिक्यूल इसको धक्का मार मार के ऊपर होल्ड किए हुए है, और पानी का मॉलिक्यूल कितना है उस पे बॉयंट फोर्स लगाता है, उसका फॉर्मूला है रो लिक्विड का और जी, और ये कितना पानी के अंदर डूबा हुआ है, तो पूरा तो डूबा हुआ है नहीं, तो इसीलिए इसको लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये लिख देते हैं, तो इतना उस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, और इसको अर्थ नीचे mg फोर्स कितना लगा रहा है, mg, mg में मास होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू पूरा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पूरा वॉल्यूम, ठीक है, ऑब्जेक्ट का पूरा वॉल्यूम इनटू रो जी, और इनटू क्या लिखना है हमको, ये तो m हो गया, रो इनटू वी m हो गया और g लिख दिया, तो mg हो गया, तो ये mg फोर्स लगा नीचे की तरफ, ये क्या हो गया mg का ही वैल्यू है m इनटू g, और ये क्या हो गया रो जी भी कौन हो गया बॉइंट फोर्स, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा कि नहीं, इक्वल हो जाएगा तो ना तो ये बेचारा ऊपर जाएगा ना नीचे, तो रो ऑब्जेक्ट और वॉल्यूम ऑब्जेक्ट देखिए इसको इसको इसके इक्वल कर दिए बॉइंट फोर्स के, अब जी से जी दोनों साइड कैंसिल हो रहा है, इक्विलिब्रियम पे तो ये पक्का होगा, ठीक है, दोनों एम जी इक्वल टू बॉइंट फोर्स। अब डिपेंड करता है कि किसका डेंसिटी ज्यादा है, लिक्विड का कि ऑब्जेक्ट का, तो अगर भैया देखिए ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा हुआ, अब ये दोनों टर्म को क्या होना है, रो ऑब्जेक्ट वॉल्यूम ऑब्जेक्ट बराबर होना चाहिए किसके, रो लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के, तो अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा है, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा है तो कम ही वॉल्यूम में ऑब्जेक्ट इससे मुकाबला कर लेगा कि नहीं, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को डूबना पड़ेगा क्या, नहीं डूबना पड़ेगा, देखिए इसका डेंसिटी वाला टर्म क्या है, ज्यादा है, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा है, और ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है सो पूरा पूरा का पूरा वॉल्यूम यहाँ लेना है, ठीक। अब इस साइड में हम क्या देख रहे हैं कि लिक्विड का डेंसिटी कम है, लिक्विड का डेंसिटी कम है तो ज्यादा लिक्विड चाहिए, वॉल्यूम क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, जबकि ये ऑब्जेक्ट कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर सकता है, मैक्सिमम अपने वॉल्यूम के बराबर कर सकता है, यानी कभी भी लिक्विड उसको तैरा नहीं पाएगा, वो पूरा का पूरा नीचे आकर डूब जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ तक पूरा नीचे गिर जाएगा, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा होगा तो, क्यों नीचे गिर जाएगा, देखिए रो ऑब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट होना है, रो लिक्विड भी लिक्विड डिस्प्लेस के, अब रो ऑब्जेक्ट बोल रहा है कि मैं ज्यादा हूं, मैं ज्यादा हूं ये बोल रहा है, और ये बेचारा क्या है कम है, ये कम है, अब ये दोनों इक्वल भी हो जाएगा तो भी काम नहीं चलेगा, ये दोनों इक्वल भी हो जाएगा तब भी डेंसिटी क्या बोल रहा है ऑब्जेक्ट का कि मैं ज्यादा हूं, तो कैसे दोनों इक्वल होगा, लेचे सारे चेस इक्वल नहीं हो पाएगा ना। अब रो एल की मजबूरी ये है कि ये वी एल की मजबूरी ये है कि ये वी ओ से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि जितना आप डुबाएंगे पानी के अंदर में, जितना डूबेगा कोई ऑब्जेक्ट उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, कम डूबेगा तो और कम लिक्विड डिस्प्लेस होगा, तो ये लिक्विड डिस्प्लेस जो है कि कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है लिक्विड का, वो हमेशा या तो कम आएगा या इक्वल आएगा एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के, राइट, तो मैक्सिमम लिक्विड डिस्प्लेस कितना हो सकता है, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम के बराबर हो सकता है, और ये दोनों अगर इक्वल भी हो गया तो भी ये ऑब्जेक्ट का डेंसिटी जीत जाएगा, यानी कि ये इधर वाला फोर्स हमेशा ज्यादा आएगा एमजी वाला, तो एमजी उसको लिए दिए पूरा नीचे आ जाएगा, ये बॉयंट फोर्स उसको बचा नहीं पाएगा तो पूरा डूब जाएगा, ये जब भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा हो तो वो फ्लोट कभी नहीं करेगा, सिंक कर जाएगा, पूरा बेस में आके टकरा जाएगा।